नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आपके साथ आज फिर एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। हर घर के अंदर किसी न किसी जोन में टॉयलेट बनाई जाती है। जिस व्यक्ति के यहाँ सही जोन में टॉयलेट बन जाती है, उस घर के अंदर खुशहाली बनी रहती है, और जिस घर के अंदर गलत जोन में टॉयलेट बन जाती है, उस घर के अंदर परेशानी आती है। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है साउथ वेस्ट जोन, यानी नैऋत्य कोने में आपके यहाँ टॉयलेट बनी हुई है तो उसके किस तरह के बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं और उनके हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। जिस घर के अंदर, जिस बिल्डिंग के अंदर साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट बनी हुई है, जो व्यक्ति उस टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति के काम कभी भी समय पर पूरे नहीं होते। वो व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, अपने काम को सिरे भी चढ़ाने की पूरी कोशिश करता है, और लास्ट स्टेज पर आकर उसका काम फेल हो जाता है, उसके काम में दिक्कत आ जाती है, वो काम आधा अधूरा ही रह जाता है। जो व्यक्ति साउथ वेस्ट की टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति की बात ना तो सुनी जाती है, ना समझी जाती है, और ना ही मानी जाती है। इसके कारण उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। इसलिए साउथ वेस्ट के भाग में टॉयलेट को नहीं बनाना चाहिए। यदि संभव हो तो आप अपनी साउथ वेस्ट की टॉयलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें, उस टॉयलेट को लॉक कर दें। कुछ समय के लिए आप उस टॉयलेट को लॉक करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आपके यहाँ दूसरी टॉयलेट का ऑप्शन नहीं है, या आप अपनी उस टॉयलेट को चेंज करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं आपको कुछ खास वास्तु के उपाय बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। जो काम, जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जितने उपाय आप कर सकते हैं उतने उपाय आप करने की कोशिश जरूर कीजिए। सबसे पहले तो जो आपकी टॉयलेट है उसका फर्श का लेवल आपने ऊँचा करना है। जब तक टॉयलेट का फर्श का लेवल ऊँचा नहीं होता, तब तक आप टॉयलेट के दरवाजे पर डोर क्लोजर लगाएं। टॉयलेट के अंदर पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए, कोई भी टूटी टपकती हुई नहीं होनी चाहिए। फर्श गीला नहीं रहना चाहिए। जो व्यक्ति उस टॉयलेट का इस्तेमाल करता है, वहाँ पर जो नहाता है, वो अपने गीले कपड़े फर्श के ऊपर न डालें। गीले कपड़े अपने एक बकेट के अंदर डालें। साउथ वेस्ट की टॉयलेट का फर्श हमेशा ही सूखा होना चाहिए। इस्तेमाल किया और उसको साथ ही साथ ड्राई कर दिया, सूखा कर दिया। इसी के साथ आपने एक काम और करना है। जो आपकी टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर आपने रोशनी ज़्यादा रखनी है। टॉयलेट में एक एग्जॉस्ट फैन भी लगाना है। आपके यहाँ पॉसिबल हो तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ टॉयलेट के अंदर एक सीलिंग फैन भी ज़रूर लगाएं। आपके अपनी टॉयलेट में कहीं भी सीलन नहीं होनी चाहिए। टॉयलेट का जब आप फर्श ऊंचा करें, टॉयलेट के अंदर टाइल्स लगाएं, तो उसके अंदर ऑफ वाइट कलर होना चाहिए, या वाइट कलर होना चाहिए, या ग्रे कलर ही होना चाहिए। टॉयलेट शीट आपकी साउथ वॉल पर या नॉर्थ वॉल पर ही होनी चाहिए। वॉश बेसिन नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पर होना चाहिए। शावर एरिया आपका सिर्फ ईस्ट वॉल पर ही होना चाहिए। जो मैंने आपको वास्तु के उपाय बताए, ये उपाय आप अपने यहाँ कर लेते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। जो समस्याएं आपके यहाँ चल रही है, उन समस्याओं से आपको राहत भी जरूर मिलेगी। सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय आपने अपने यहाँ पर करने हैं। कहने को छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन अपने आप में ये कारगर सिद्ध होते हैं। इसलिए आपको अपने यहाँ पर जो आपकी साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनी हुई है, ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। आप मेरी इस वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति के घर के अंदर टॉयलेट बनाई जाती है। टॉयलेट किसी के यहाँ सही दिशा में बनी हुई है, किसी के यहाँ गलत दिशा में बनी हुई है। एक व्यक्ति के साथ सैकड़ों परिवार जुड़े होते हैं, उसके अपने रिश्तेदार भी होते हैं, उसके यार दोस्त भी होते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ साउथ वेस्ट में टॉयलेट बनी हुई है और वो परेशान है, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।